हेलो हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई नो बहुत टाइम बाद एक वीडियो बना रही हूँ। लॉट्स ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन माय कॉलेज, लॉट्स ऑफ वर्क, निफ्टी नो पेपर कौन खाता है, निफ्टी नो स्टे। एनीवे, बैक टू टुडे। आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट कंसर्न के ऊपर वीडियो बना रही हूँ, टिक्स एंड फ्लीज। आई हैव स्पोकन अबाउट दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स ऑन माय इंस्टाग्राम, बट टुडे आई वांटेड टू मेक अ फुल फ्लैश वीडियो फॉर यू ऑल। सो निफ्टी हैड अ लॉट ऑफ टिक्स, लाइक अ लॉट ऑफ टिक्स। दिन में 10-15 टिक्स निकलते थे उसके। मैं एक फ़ोटो यहाँ पर इंसर्ट कर लूँगी। एंड नाउ आई हैव फाइनली लर्न हाउ टू ओवरकम एंड किल देम ऑल। सो टुडेज़ वीडियो इज गोना बी अबाउट दैट। Firstly, what are ticks and fleas? Ticks and fleas are a very common concern amongst pets and pet parents concerned too. So, ticks and fleas parasite होते हैं जो आपके dog के blood के सहारे grow होते हैं। अब वो कहाँ से आते हैं? वो mainly grass में grow होते हैं। अब आप अपने dog को walk पे लेके जाते हो, make sure you make them wear boots. Boots का video मैंने पहले भी बनाया हुआ है, I'll make sure to link it in the description below. Boots are very important because mainly ticks ग्रास में होते हैं। अब वो बेयर फुट जाओगे, वो पॉज में आएंगे, पॉज से पूरे बॉडी में जाएंगे। सेकेंडली, आपके घर के अंदर भी ग्रो हो सकते हैं अगर आप अनहाइजीनिक हो। कारपेट्स है आपके घर पे, कारपेट के यहाँ ग्रो हो सकते हैं। फर्नीचर में क्रैक्स है, उसके अंदर ग्रो हो सकता है। लॉट ऑफ प्लेसेस वेयर टिक्स कैन ग्रो एंड इट इज़ वेरी कॉमन। Mainly you have to maintain hygiene in your house as well as on your pet. That's it. And yeah, ticks ka main yahi hai. Now coming on to how can you prevent it. Now market mein bahut sari cheeze hain, from tick shampoo, powder, spot on, tablets, what not. But obviously you want a solution that is permanent and that is safe for your pet. अब स्टार्टिंग में बहुत रिसर्च किया था मैंने, बट फाइनली वही वेट के पास आई टुक माय पेट निफ्टी। शी सजेस्टेड मी स्पॉट ऑन एंड ब्रावेक्टो करके एक टैबलेट है। नाउ द थिंग विद द टैबलेट इज़ वन टैबलेट इज़ फॉर 2,000 रुपीज़। मनी इज़ नॉट एन इशू फॉर मी, बट द पॉइंट इज़ मैंने उसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं जहाँ पे द पेट्स हैव बिकम सिक आफ्टर हैविंग इट एंड नॉट इवन सिक, सम पेट्स हैव डाइड। सो ऑब्वियसली वो रिस्क तो मैं नहीं ले सकती थी निफ्टी को वो टैबलेट देने का। कमिंग टू स्पॉट ऑन, मैंने स्पॉट ऑन भी ट्राई किया है। मैं यहाँ पे वीडियो अटैच कर लूँगी। स्टे करना है अभी आपको निफ्टी। स्पॉट ऑन आई ट्राइड फॉर निफ्टी, इट वर्कड वेल फॉर ऑलमोस्ट 1-1.5 वीक, बट देन अगेन टिक्स वापस आने लगे। अब मैं ये सोच रही थी स्पॉट ऑन ने वर्क नहीं किया या मैंने उसे अच्छे से नहीं लगाया है। वी डिडंट नो, आई वाज वंडरिंग क्यों नहीं वर्क कर रहा है ये। Now I wanted more of a permanent solution to kill just all the ticks and fleas on her body.
नंबर वन थिंग दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर आई मूव अहेड ऑफ द टॉपिक, वेन एवर यू कम अक्रॉस अ टिक और अ फ्ली ऑन योर पेट्स बॉडी, डू नॉट प्लक इट आउट, ऐसे खींच के मत निकालो, इट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग. आई यूज टू डू इट बट इट्स रॉन्ग. द पॉइंट इज टिक आपके पेट के स्किन पे ऐसे अटैच होते हैं. Now if you just press it and remove it, it is very likely कि वो tick का जो poison है वो skin के अंदर जा सकता है, and it can cause allergies, tick fever and a lot of skin issues on your pet's body, which is bad. Tick fever is very very bad, so you don't want to do that. कभी भी उसे pluck करके मत निकालो. What you can do is if you come across a tick और अ फ्ली, आप नीम का ऑयल लो और उस जगह पे डालो. अब ऑयल डालने से नीम का जो कड़वापन है वो टिक अपने आप को रिलीज कर लेगा, अपने आप जो उसका स्ट्रेंथ है स्किन से वो चला जाएगा, एंड ऑटोमेटिकली व्हेन इट कम्स अप यू कैन जस्ट रिमूव इट, क्योंकि अगर आप उसे प्रेस करके निकालोगे पॉइजन अंदर जा सकता है. Now coming on back to the permanent solution, after a lot of research I finally decided to make a neem paste. अब neem paste हमारे humans पे भी बहुत effective होता है, be it your skin, hair, any kind of thing. तो dogs पर भी obviously effective है. Now you might think neem paste कैसे लगाऊँ, green green हो गई तो ये वो whatever whatever. I'll show you a video now, check it out. So we have got these neem leaves from nearby, and these are literally like plucked out from the tree itself. So we have to make a paste out of these leaves, and apparently people say ki neem ke patte se skin ke diseases khatam ho jate hain, and nifty apparently has a lot of ticks. So let's see ki agar ye kaam karta hai ya nahi. First I'll have to wash them. तो यहाँ पे मैंने नीम के पत्ते ऐसे निकाल दिए हैं. नाउ आई विल जस्ट क्विकली वॉश देम. देयर्स नॉट मच टू डू व्हेन ऑल आई कैन इज थिंकिंग अबाउट यू नॉट डूइंग वेल डोंट नो व्हेयर यू आर. तो ये मैंने नीम के पत्ते धो दिए हैं, एंड अकॉर्डिंग टू द ब्रीड यू कैन टेक एज मैनी लीव्स एज यू वॉन्ट. निफ्टी इज़ अ शिट्ज़ू, तो आई थिंक इतना इनफ हो जाना चाहिए. नाउ लेट्स गो टू द किचन एंड ग्राइंड देम. Cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would. Talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would, I would. So this is the neem paste. एकदम चटनी जैसा होना चाहिए, लाइक इट शुडन बी टू थिक और टू थिन, ईजिली लगना चाहिए. एंड बिफोर दिस एज यू सॉ मैंने उसको ब्रश कर लिया था ताकि सारा डेड स्किन या फर जो है वो निकल जाए, एंड इट्स ईजी टू अप्लाई. निफ्टी कम योर आ जा, स्टे स्टे, टू अभी ग्रीन ग्रीन हो जाएंगे. ये पेस्ट आपको बालों पे नहीं स्किन के अंदर लगाना है. तो इफ यू हैव अ हेयर, नो निफ्टी कुछ मेहंदी की रसम, रेदर हल्दी बट मेक इट ग्रीन.
nothing really matters. That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. Sniff too. Oh god. Surely, sniff too, surely. कैसे लग रहे हो आप? पूरा ग्रीन 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 ग्रीन. सो यूजुअली टिक्स आर अराउंड द नेक एरिया. पॉ के यहाँ होते हैं, ईयर्स के यहाँ होते हैं. सो मेनली हर फोकस एरिया वॉज नियर हर नेक, ईयर्स, पॉज एंड ऑल दैट. एंड हमारा ये नीम चटनी खत्म हो गया है. थोड़ा कम पड़ गया, पीछे की तरफ इतना नहीं लगा है, बट व्हेन आई एम वॉशिंग इट मैं वहाँ पे भी थोड़ा बहुत लगा लूँगी. नाउ वी हैव टू वेट फॉर हाफ एन आवर, तब तक ये पूरा एब्जॉर्ब और ड्राई हो जाएगा. देन आई विल मेक हर टेक अ बाथ. हैव टू सॉरी, ऐसे क्यों देख रहे हो चुन्ना? ऊप. ओके, सो मैंने अभी अभी निफ्टी के बॉडी पे नीम पेस्ट लगाया और एक टिक बाहर आ गई. सो आई जस्ट पुट इट इन दिस बोल फॉर एन एग्जांपल हाउ नीम वर्क्स. एंड इट्स ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग. इट्स बेरली एबल टू क्रॉल एज यू कैन सी. दैट्स हाउ नीम वर्क्स ऑन टिक्स. सो निफ्टू अभी ना सारे टिक्स भाग जाएंगे. She wants to come out so badly, but then घर गंदा हो जाएगा. You can already see washroom कितना green 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 हो गया है. निफ्टू sorry, मैं आपको बाहर नहीं लेके आ सकती. So this is a shampoo that I've ordered and it's specifically for ticks. मैंने पहले use तो नहीं किया, this is the first time. Now half an hour is done and मैं निफ्टी को नहाने लेके जा रही हूँ. I'll be using this and then I'll get back to you once we are done. So almost after 6 days मैं उस निफ्टी को वापस न ला रही हूँ because her ticks are not yet completely gone. I'll tell you the exact review at the end of the video, so stay tuned. इस बार मैंने ये पेस्ट थोड़ा ज़्यादा पतला किया है because last time it was still a little thick and पूरी तरह बॉडी में नहीं लगा था. निफ्टू खाना नहीं है, वो लगाना है. निफ्टू नो, खाना नहीं है. तो ये हाल है वॉशरूम का और ये है निफ्टू. निफ्टू ये सब क्या है? ओह माय गॉड, दिस प्रोसीजर इज वेरी वेरी मेसी, बट आई रियली वांट टू गिव इट अ शॉट टू सी इफ दिस एक्चुअली वर्क्स. इस बार तो पूरी तरह अच्छे से लगाया है एंड जो डायरेक्शन में बाल है उस डायरेक्शन में नहीं, आपको ऐसे ऑपोजिट वे में लगाना है. निफ्टी निफ्टी कम योर, सी वॉट यू डन. ये सब क्या किया है? पूरा वॉशरूम गंदा गंदा गंदा. निफ्टू आई विल सी यू ऑल लेटर. जन से जो टूटे कोई सपना, जग सोना सोना लागे, जग सोना सोना. सो निफ्टी को हाफ एन आवर के लिए हमें वॉशरूम में रखना था बट वो बीच में ही रोने लग गई. सो मॉम हैज गॉन टू सिट विथ हर, लेट्स सी. हरी निफ्टू, हरी कुकी, चूना, किकलू, ओलू निफ्टू, निफ्टली, हाय किकू. बस बस अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो निफ्टू, चलो अंदर, बाहर नहीं जाना है आपको. हाँ 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 निफ्टू, बस हो गया, बस हो गया, बच हो गया. कितना कितना एक्साइटमेंट. Cause you are mine.
निफ्टी नाके हो गया ऑल फ्रेश निफ्टू सब फ्रेश फ्रेश हो गए अरे अरे मस्ती 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 ये पर्स तो मैंने दिया था तो टेक्निकली तो मेरा हुआ हैव टू गिव देना ही नहीं है सो आफ्टर टू टाइम्स ऑफ अप्लाइंग नेम पेस्ट निफ्टी के टिक्स आर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट गॉन दिन में एक या एक भी नहीं निकलता अभी एंड अगर वो एक भी निकल रहा है नो आई हैव टू क्योर इट एंड किल इट एंड नीम पेस्ट इज द ओनली वे आउट इट वर्क्ड रियली रियली वेल ऑन निफ्टी प्लस आई हैव यूज्ड दिस शैम्पू नाउ मैंने इस पर एक रील भी बनाया मैं उसका लिंक नीचे डाल दूंगी द थिंग विद दिस शैम्पू इज इट माइट नॉट वर्क ऑन ऑल योर ब्रीड of dogs क्योंकि निफ्टी इज़ अ शिट ज़ू फ्यू ऑफ यू ऑल कमेंटेड इन द रील कि आई हैव ट्राइड दिस बट इट डिड नॉट वर्क फॉर आर पेट यू ऑल फेस्ड हेयर फॉल एंड स्किन डिजीजेज आई मीन स्किन रैशेज और वट एवर बट लकीली निफ्टी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ दिस शैम्पू हैज़ बिन वर्किंग वेल फॉर हर एंड आई विल कंटिन्यू टू यूज दिस ऑन हर बिकॉज Yeah, I want to kill it and get rid of ticks permanently. अभी almost हो ही गया है नहीं के बराबर है but still कभी अगर एक भी दिख जाता है I know it's a lot of stress for you. Secondly, yeah, you don't have to get scared of neem paste. वो कुछ green नहीं होता it just comes off very easily. Recipe मैं आपको already बता चुकी हूँ That's it. If you have any other questions related to it, please comment karke batao. I'll love to answer it and help you out. Till then, bye. Okay, wait. Before I go, I forgot to mention one thing. Remember I said maine spot on try kiya but 1.5 week ke baad wapas ticks aa gaye. It was because wo ticks jo already pehle se hi nifty ke body pe the on the bed she was sleeping on उस पे वो अंदर जा चुके थे नाउ स्पॉट ऑन से जो उसके बॉडी के थे वो तो किल हो चुके हैं बट शी इज गोइंग एंड स्लीपिंग ऑन हर बेड अगेन एंड अगेन तो बेड के अंदर जो थे वो वापस उसके बॉडी में आ गए सो द साइकिल गॉट रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन सो इफ दैट्स द केस विथ योर आई सजेस्ट वो बेड को थोड़े टाइम के लिए साइड कर दो मैंने नीचे एक न्यू फ्रेश चादर और गद्दा बिछाया था शी इज स्लीपिंग ऑन दैट फॉर 1-2 weeks until the ticks were completely gone. क्योंकि आप जहाँ पर भी उसको सुलाओगे वो एरिया को भी क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है अदरवाइज द साइकिल विल नेवर एंड एंड टिक स्प्रे भी मैंने यूज़ किया है मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट अदरवाइज ये बहुत लंबा आ जाएगा या दैट्स इट